భవిష్యత్తులో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆరు రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేయబోతోందని ప్రకటించారు. ఆ పార్టీ కన్వీనర్ ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వచ్చే రెండేళ్లలో ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవా, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్లో పోటీ చేస్తామన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఆప్ నేషనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ఈ కామెంట్స్ చేశారు కేజ్రీవాల్. आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो. आज तक किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खड़ी होकर ये कह दे कि भाई हमने काम करा है, काम के नाम पे वोट देना, स्कूल के नाम पे वोट देना, अस्पताल के नाम पे वोट देना. सारा देश जुड़ेगा, सारा देश आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेगा, तभी देश का बदलाव होगा. आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी से थोड़ी चिपके हैं हम लोग तो देश से चिपके हैं. देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. आम आदमी पार्टी तो जरिया है, आम आदमी पार्टी तो व्हीकल है, उसके जरिए अपने को देश बदलना है. तो अगले दो साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले दो साल में इन छह राज्यों में चुनाव लड़ेंगे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात. इन छह राज्यों में चुनाव लड़ेंगे. और चुनाव क्यों लड़ेंगे? लोग आते हैं मेरे पास. दिल्ली तो एक पूरे देश का एक मिनी इंडिया है. दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आके रहते हैं.